हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये साइन स्कीम। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है ना। अब तक जो हम लोग करते रहे हैं, किसी इक्वेशन को सॉल्व किया, इक्वल टू साइन ने सॉल्व कर लेते हैं। अब हम उसकी बात कर रहे हैं जब इक्वल टू साइन नहीं होगा, वहाँ पर इनइक्वालिटी का अगर साइन होगा तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको एक एक्सपर्ट बना दूंगा इसमें। बस आप ध्यान से समझना चीज़ों को जो मैं जो जो बोल रहा हूँ आपको। जैसे कि बहुत छोटा सा आइडेंटिटी है इनइक्वालिटी है x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सिंपल है, जो भी रहे ना LHS में, जैसे ये एक्सप्रेशन x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, आप इसको इक्वेट कर दीजिए वन जीरो से। जीरो से इक्वेट करेंगे x माइनस वन को, अगर आप जीरो से इक्वेट करेंगे x का वैल्यू निकल के आ जाएगा वन। बोलेंगे ये तो काफ़ी आसान है। आसान है, लेकिन हम आगे बहुत हैवी हैवी क्वेश्चन करने वाले हैं इसके हेल्प से, तो आप ज़रा सुनते रहो इस टेक्निक को। तो हम अगर बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो अब ये जो पॉइंट है x इक्वल टू वन, आपको आप यहाँ पर उसको रख दीजिए नंबर लाइन के ऊपर, वन है ये। अब वन के राइट साइड में प्लस साइन दे दीजिए और वन के लेफ्ट साइड में माइनस साइन दे दीजिए। क्या मतलब है इस प्लस और माइनस साइन का? प्लस और माइनस साइन का मतलब है कि अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर आप कोई भी वैल्यू एक्स का वन से ग्रेटर रखोगे तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। यकीन नहीं आता तो रख के देखो, जैसे फाइव रख के देखो, फाइव माइनस वन क्या रहा है? फोर, पॉजिटिव आ रहा है ना। 10 रख के देखो, 10 माइनस वन पॉजिटिव आ रहा है ना। 2.1 रख के देखो, 1.1 पॉजिटिव आ रहा है ना। हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये हमें दे दिया, ये प्लस साइन हमें बता रहा है कि इस नंबर लाइन पे 1 के इधर जितने भी नंबर्स हैं उसके लिए पॉजिटिव है। और साथ ही मेरा क्वेश्चन भी यही था, x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो को सॉल्व करें, मतलब आप x का वैल्यूज़ बताएं जिसके लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। इसका आंसर हो गया आपका x ग्रेटर देन। अब दूसरा बात करते हैं, इस माइनस साइन का क्या मतलब है? आप समझ ही गए होंगे कि x, ये हमें इससे इधर x का वो सा x का जो भी वैल्यू है अगर उसको इस एक्सप्रेशन के अंदर रखे तो एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा। आपको यकीन नहीं है तो वन के लेफ्ट में कौन सा नंबर आता है? जीरो रख लो। जीरो माइनस वन क्या आएगा? माइनस वन, लेस देन जीरो। तो अगर ये क्वेश्चन होता x माइनस वन लेस देन जीरो तो मेरा आंसर हो जाता x का वन से इधर, मतलब x लेस देन वन। अच्छा, वन पे क्या होगा? x का वैल्यू इसमें वन रखोगे तो वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, मतलब x पे वन पे जीरो आ रहा है। अगर मेरा क्वेश्चन होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो इसमें ग्रेटर देन वन नहीं, वन भी आता, क्योंकि हमें ये भी पूछ रहा है कि आप हमें x का वो वैल्यू बताइए जिसके लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या जीरो है। तो वन को भी इंक्लूड करना मस्ट था। होप आप इसे समझ पाए होंगे। बात तो काफ़ी आसान है, लेकिन आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं और तब आपको इसका सीरियसनेस समझ में आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ को एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फोर लेस देन जीरो, और इसे सॉल्व करना है। देखो अब थोड़ा सा तो ये ट्रिकी बन गया, कोई बात नहीं, आप इसका ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए। होप आपको स्प्लिटिंग आता होगा। अगर इसको ऐसे ब्रेक करना है कि उनका सम प्लस फाइव आ जाए और प्रोडक्ट करने पे, सॉरी, एट माइनस थ्री, इनको मल्टीप्लाई करने माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी फोर और सम करने पे प्लस का फाइव आ रहा है। तो आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस एट। ये है इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मैंने डायरेक्ट लिख लिया, आप कुछ स्टेप के बाद लिखते होंगे इसको, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारे फैक्टर्स आ गए ना, इनको वन बाई वन करके जीरो करो। तो एक्स माइनस थ्री को अगर आप जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा थ्री। जैसे एक्स प्लस एट को आप इक्वेट करेंगे जीरो से तो एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस एट, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पर इन वैल्यूज को रख देते हैं, तो ये है माइनस एट, फिर आ गया आपका। अब क्या करना है आपको? बिल्कुल सबसे राइट हैंड साइड में हमेशा प्लस साइन लिखना है, फिर माइनस साइन लिखना है, फिर प्लस साइन लिखना है। सर ये प्लस साइन का क्या मतलब है, माइनस साइन का क्या मतलब है? बहुत आसान है मतलब इसका। जिधर जिधर प्लस आया ना, थ्री से इधर और माइनस एट से इधर, इन जगहों पे
ये जो मैंने इधर का कोई वैल्यू ले लो एक्स का, या -8 से छोटा कोई ले लो, लाइक -9 -10 या 3 से इधर 5 7 8, कुछ भी रख के इसमें देखो ना, इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा यार। और -8 और 3 के बीच का कोई वैल्यू ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, अब रख के देखो एक्स के जगह पे, यहाँ पे दोनों तो एक ही है, ये ना एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। हमसे क्या पूछा गया है, सॉल्व दिस, मतलब एक्स का वो सब वैल्यू आपको बताना था जिसके लिए लेस देन और इक्वल टू 0 आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -8 और 3 के बीच में। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, -8 से बड़ा या बराबर एक्स लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ पर जो ब्रैकेट लगाएंगे वो क्लोज लगाएंगे, क्योंकि 0 भी आ रहा है, तो -8 और 3 पे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 है, इसलिए हम यहाँ पर इसे भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मेरे को पूछ लेता यही क्वेश्चन कि ग्रेटर देन इक्वल टू, यहीं पे लग होता ग्रेटर देन 0 सिर्फ, तो कौन सा आंसर होता, एक 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 3 से लेके इन्फिनिटी तक यूनियन, और कौन सा, -इन्फिनिटी टू -8 तक। ठीक है, ये सारे इंटरवल वगैरह हम यूज कर रहे हैं जो हम लोग पहले डिस्कस कर रखा है हमने। हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें अपना अगला क्वेश्चन है x-2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस x इंटू x-3 का होल क्यू x-4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ओवरऑल हमसे पूछा ही जा रहा है x का, हमें वो सारा वैल्यू बताइए जिसको इस एक्सप्रेशन में रखें और उसका आंसर लेस देन नेगेटिव आए या 0 आए। लेकिन इस क्वेश्चन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखो अभी तक हमारे पास ऊपर हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है इससे पहले, ठीक है, इससे पहले हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। उसमें आप देख सकते हो कि जो फैक्टराइज करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता था उसमें एक्स पहले होता था, उसमें एक्स पहले होता था, आप ऐसा बोल सकते हैं एक्स ड्राइवर सीट पे होता था और 3 और 8 बाद में होता था। लेकिन यहाँ पर वैसा ट्रेंड है नहीं, ठीक है, यहाँ पर वैसा है नहीं, यहाँ पर ए वाला एक्सप्रेशन तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक्स बाद में आ रहा है। मैं इसे चाह रहा था कि ये x-1 होता, बाकी ए भी ठीक है, ए भी ठीक है, बस ए वाला गड़बड़ है। तो क्या करते हैं आप इसके लिए, क्या करेंगे, x-2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस x को लिखा जा सकता है क्या, -x-1 है कि नहीं, माइनस अंदर ले जाओ ब्रैकेट के, आपका वही आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका x-1, एक माइनस साइन है जो मैं बाहर लिख देता हूँ। अगला है x-3 का क्यूब और x-4 का होल स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 0। अब मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल पहले की तरह आ गया। अभी भी इस क्वेश्चन में सीखने को बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ बताऊंगा इस क्वेश्चन में। तो अब आगे क्या है यार, आगे देखो, ये जो माइनस साइन है इसको आप समझ सकते हो -1 है, और -1 को हमें हटाना पड़ेगा, तो हम इधर से इधर लेके जाते हैं, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके 0/-1 हो जाएगा। और आपको पता है जब भी कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाता है, जब भी कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाता है या डिवाइड से मल्टीप्लाई में आता है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। नहीं पता तो सीख लो यार, सीख लो यार, इसलिए लेस देन इक्वल टू था, मैंने इसको रिवर्स कर दिया और इसे लिख दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये अपना कुछ इस तरीके का आने लगा है, कुछ इस तरीके का आने लगा है। अब क्या करना है आपको, जो जो ब्रैकेट्स है हमारे पहले की तरह उसको 0 कर दें। अभी भी बहुत कुछ सीखेंगे इस क्वेश्चन में। अगर x-2 को के होल स्क्वायर को 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2,2, 2 बार 2 लिखा क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर आप इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, इसको 0 करेंगे तो 3 3 3 3, चूँकि x-3 का होल क्यूब है ना, इसको लिख सकते हैं x-3 x-3 x-3। उसके बाद x-4 का होल स्क्वायर है, इसको 0 करेंगे तो 4 4। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसलिए ये 2 और इस 4 पे हमें खास ध्यान देने का ज़रूरत है, 2 और 4 पे खास ध्यान देने का ज़रूरत है।
क्यों? क्योंकि ये ना दो बार आया है और ये भी दो बार। ये नंबर इवन है उस पर ध्यान मत दो, ये तो 5 भी होता ना तो सेम ट्रीटमेंट करते। हम ये देख रहे हैं कि ये कितनी बार आया है, तो ये दो बार आया है, दो बार मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है। तो हमें उन नंबर्स को, उन रूट्स पे ध्यान देना है जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है। नंबर इवन होने से कोई मतलब नहीं दोस्त, वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए। फाइन, तो चलिए नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करते हैं। कौन कौन आया इवन नंबर ऑफ टाइम्स? एक 2 आया है और एक 4 आया है। इसको मैंने अलग कलर से दिखाया। और कौन आया? 1 आया। 1 2 के लेफ्ट में होगा और 3 इसके बीच में। अब पहले की तरह स्टार्ट करते हैं, सबसे राइट हैंड साइड में आप प्लस देंगे और जैसे ही इधर आएंगे तो प्लस के बाद माइनस, प्लस माइनस प्लस। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा, ये पिंक कलर है ना, ये अपने को रोकेगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर कोई रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया हुआ है तो वहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। अगर कहीं प्लस है तो प्लस ही चला जाएगा आगे, और अगर वो माइनस है तो आगे माइनस ही चला जाएगा। तो ये प्लस है तो यहाँ प्लस ही होगा। अब यहाँ 3 जो है वो 3 बार आया है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, 3 टाइम्स है ना, तो यहाँ साइन चेंज होगा। फिर 2 पे साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो ये माइनस ही रह जाएगा। और फिर 1 पे साइन चेंज हो गया। अब यहाँ से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, हमें कौन सा चाहिए? जब जब हमारा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो उससे मेरा आंसर आ जाएगा। एक तो ए वाला इंटरवल आ जाएगा और एक ए वाला आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं, देखो 3 और 4 को भी लेना ही है क्योंकि यहाँ पर ए भी दिया हुआ है, इक्वल टू भी। एक हो जाएगा 3 से लेके इन्फिनिटी तक यूनियन, और एक हो जाएगा आपका 1 से माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। ये अपना आंसर हो गया, समझ में आया? माइनस इन्फिनिटी टू 1 और फिर 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर यहाँ पर साइन एक सिर्फ ग्रेटर का होगा ना तो 3 टू इन्फिनिटी लिखते, लेकिन 4 पे क्या होता है? इसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो इसमें से -4 करके हम ऐसे दिखा देते। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? ये क्वेश्चन है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। फिर से इस क्वेश्चन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। क्या सीखने वाले हो इसमें? इसमें सीखने वाले हो कि सबसे पहले ना जो जो फैक्टराइज किया हुआ है, कोई एक्सप्रेशन अगर फैक्टराइज नहीं होता तो हम उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके या कुछ भी करके उसको फैक्टराइज कर लेते, ठीक है। अब जितने भी ब्रैकेट्स हैं सबको बारी बारी से 0 कीजिए। अगर आप 2x-1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2। अगर x-1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1,1। x-2 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2,2। और नीचे भी एक है x-2, उसको भी 0 करेंगे तो x का वैल्यू फिर से 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, 3 बार 2 आया, ठीक है। और x-4 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 4, 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
को ना है सबसे छोटा वैल्यू इसमें दिख रहा है हाफ, चलो हाफ को लिख लिया। उसके बाद वन, कितनी बार, दो बार, दिस ए इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। यहाँ ध्यान देना है इस पर साइन हमें चेंज नहीं होगा यहाँ पे। अगला क्या है, टू, तीन बार आया कोई बात नहीं। चार, ए भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, इस पर भी ध्यान, ठीक है, इस पर ध्यान दिया, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। और जरा देखना कौन कौन डिनोमिनेटर से आया है। ये हाफ किससे आया है, न्यूमरेटर को जीरो करने से आया है। वन न्यूमरेटर को जीरो करने से आया है, नो प्रॉब्लम। टू न्यूमरेटर से आया, डिनोमिनेटर से, जो डिनोमिनेटर से आया ना उसके नीचे एक ऐसे लाइन बना दो यार, क्योंकि वो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करने वाला है। कौन, जो जो रूट्स डिनोमिनेटर से आए हैं उसके नीचे ऐसे राउंड बना दीजिए, और फोर भी आया है तो इसके नीचे भी राउंड बना दीजिए। ये हमारे डिसीजन को अफेक्ट करने वाला है, कैसे वो बात कर लें वो हम समझाएंगे। अब पहले की तरह सबसे राइट हैंड साइड में प्लस, फोर पे चेंज नहीं होगा कि फोर कितनी बार आ चुका है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये प्लस ही रहेगा। टू पे चेंज हो जाएगा,
माइनस वन पे चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया हुआ है, माइनस फिर यहाँ प्लस, ये मेरा हो गया। अब मेरा आंसर क्या करना था, ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ प्लस है, तो जो अपना आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का एक माइनस इन्फिनिटी टू हाफ यूनियन, उसके बाद टू से लेके, उसके बाद टू से लेके कहाँ तक जाना है अपने को, इन्फिनिटी तक जाना है यार, लेकिन फोर को नहीं लेना है ना, फोर को नहीं लेना है ना, तो टू तो हम ऐसा कर लेते हैं, टू टू फोर चले जाते हैं, फिर फोर टू इन्फिनिटी चले जाते हैं, इस पे फोर हमने लिया ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। अब अभी मैंने बोला था कि ये जो डिनोमिनेटर से आए हैं उसको क्यों ध्यान रखना जरूरी है, सपोज यही क्वेश्चन होता ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा कर देते तो आंसर क्या होता, तो अब इसमें क्या था, जहाँ जहाँ इक्वल टू जीरो है उसको भी लेना है, अपने को पता है इन वैल्यूज पे एक्सप्रेशन क्या होता है, जीरो, लेकिन अगर वो डिनोमिनेटर से आया है ना, जैसे टू डिनोमिनेटर से आया है, तो आप डिनोमिनेटर में टू रख देंगे तो एक्सप्रेशन जीरो नहीं होगा, टू माइनस टू जीरो, डिनोमिनेटर में एक जीरो आ रहा है उससे एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए आप इसको नहीं ले सकते। जैसे एक्स इक्वल टू वन को आप ले सकते हैं, वन रखने से क्या होगा, वन माइनस वन एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, वन लेंगे, लेकिन जैसे फोर है इसको आप नहीं ले सकते क्योंकि फोर रखने से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो, विच इज अनडिफाइंड, इसलिए मैंने इसको मार्क किया था, अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो टाइप का आ जाए तो जो जो डिनोमिनेटर से आया है उसको नहीं लेना हमें, तो फिर से क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू हाफ, हाफ को लेना है चूंकि ये न्यूमरेटर से आया है, अगला यूनियन टू को नहीं लेना और फोर को नहीं लेना, तो टू टू फोर यूनियन फोर टू इन्फिनिटी, तो बस एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा भर गया क्या, कि यहाँ पर हाफ पे ओपन था, इस बार मैंने हाफ पे क्लोज लिया है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा और बढ़िया क्वेश्चन था, आप अपने काफी कुछ इससे सीखा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में क्वेश्चन इसे करीब पूरे पक्का समझो, आते ही आते हैं, ठीक है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, अब फंक्शन में देखो जैसे कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो जैसे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ऐसा कुछ होगा, कुछ होगा आर एच एस में, कुछ तरीके से ये डिफाइन किया गया होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ, दिस शुड बी एक्स है ना, ये एक्स होना चाहिए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, वो एक्स का वो सारा वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा उसको हम फंक्शन का डोमेन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम फंक्शन का डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो चलो एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि क्या है, कि अगर हमारा कोई फंक्शन रूट के अंदर पड़ा हुआ है, रूट के अंदर पड़ा हुआ है, तो अपने को पता है ना एक्स का वही वैल्यू ले सकते हैं जिससे रूट के अंदर क्या आ जाए, रूट के अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव आ, सॉरी पॉजिटिव आ जाए। अब ऐसा हो जाए हमारे ये एफ ऑफ एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये नेगेटिव आ जाए, लाइक माइनस फाइव आ जाए, तो ये तो रियल नहीं होता ना, ये डिफाइन नहीं होगा है ना, तो रूट के अंदर लाइक नाइन सेवन इस तरह की चीज़ें डिफाइन होती है, तो रूट के अंदर कोई अगर फंक्शन फंसा हुआ है तो उसको सिंपली आप सॉल्व कर देना, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर कोई वन बाय रूट के अंदर फंसा हुआ है तो आप सिंपली सॉल्व कर देना, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर इक्वल टू नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर इक्वल टू जीरो ले लिया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक दो पॉइंट है, एक एक पॉइंट है, अगर रूट के अंदर कुछ फंसा हुआ है तो डैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और वन बाई रूट के अंदर है तो फंक्शन वो जो रूट के अंदर फंसा हुआ है डैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, आपको यही सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और एक किस टाइप का है भाई, ये क्वेश्चन है वन बाई रूट एफ ऑफ एक्स टाइप का है, और अपने को पता है रूट के अंदर कोई है तो डैट मस्ट बी एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, डिनोमिनेटर में है इसलिए इक्वल टू जीरो नहीं ले रहे हैं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन
जीरो। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ग्रेटर दैन जीरो आ गया। अब इन ब्रैकेट्स को वन बाई वन जीरो कीजिए, तो एक्स प्लस वन को जीरो करेंगे तो इसका वैल्यू माइनस वन आ जाएगा, एक्स माइनस वन को जीरो करेंगे इसका वैल्यू प्लस वन आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या होना है, ग्रेटर दैन जीरो, साइन स्कीम पता है आपको, है ना। सिंपली क्या आंसर कर दोगे, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, खत्म हो गया, कुछ था ही नहीं। कौन सा ऑप्शन है भाई, कई ऑप्शन मैच कर रहे हैं क्या? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन सेम ही है, सेम ही है, तो इसको कुछ ऐसे कर देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को ऐसे ये वाला ब्रैकेट लगा देते, सेकेंड ऑप्शन अपना आंसर है। ब्रैकेट में काफ़ी केयरफुल रहना। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। अब यहाँ पे लॉग आ गया, इसके लिए आपको लॉग पता होना चाहिए, ठीक है। लॉग आपको नहीं पता ना तो सीख लो। लॉग का क्या होता है, लॉग ऑफ, मान लो यहाँ कुछ लिखा हुआ है और यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ जो नंबर होना चाहिए ना, यहाँ पर लॉग का आर्ग्यूमेंट बोलते हैं उसको, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और यहाँ जो नंबर होना चाहिए वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और साथ में बेस जो इसको लॉग का बेस बोलते हैं वो इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट लॉग के रिगार्डिंग आप लर्न करके रखो, ठीक है, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन ए है, दूसरा फंक्शन। जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट होना, आगे हम आपको रूल बताने वाले हैं, बहुत सारा थ्योरम बताने वाले हैं रिगार्डिंग डोमेन, तो उसमें क्या करना है, जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट होना तो दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल लो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन मैंने सेट थ्योरम बता रखा है, नहीं देखा तो जाके देखो, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन ले लो, ठीक है। तो हम लोग इसका डोमेन अलग निकालते हैं और इसका डोमेन अलग निकालते हैं। तो अगर आप इसका डोमेन निकालने जाओगे ना, 3e^x^2-1, अगर आप इसका डोमेन निकालने जाओगे तो यहाँ पर रूट में कुछ फंसा हुआ है, और मैंने पहले ही कह रखा आपको कि रूट के अंदर कुछ भी हो तो डैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसको फटाफट सॉल्व कर लिया, अभी ऊपर भी इसी को सॉल्व किया था, इसको फैक्टराइज भी कर लिया, x प्लस वन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेट किया जीरो से माइनस वन आ गया, इसको इक्वेट किया जीरो से प्लस वन आ गया, साइन प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर मेरे पास जो रीजन आ जाएगा, एक ए आ जाएगा और ए आ जाएगा, इसमें माइनस वन और प्लस वन इंक्लूडेड होगा क्योंकि वहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो उन पर जीरो आएगा। दूसरा लॉग एक्स माइनस वन, तो लॉग एक्स माइनस वन है ना, तो अभी हम लोगों ने बात किया इसके रिगार्डिंग कि लॉग एक्स माइनस वन है तो ए जो है एक्स माइनस वन ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, है ना, ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन, ए हमें दे रहा है ग्रेटर देन वन। इसको मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने ग्रेटर देन वन, मेरा कौन सा रीजन आएगा, इसको अलग कलर से ले लेते हैं ए इधर, और वन इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा है। अब बताओ कौन सा रीजन है जिसमें ए भी आ रहा है और ए भी दोनों आ रहा है, ए वाला रीजन जिसमें दोनों आ रहा है और वन नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन वन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वन से लेके इन्फिनिटी तक मेरा इस फंक्शन का डोमेन आ गया, जिसमें दोनों फंक्शन आ रहे हो ना, दोनों लोग एग्री हो वही होगा, तो वन से लेके इन्फिनिटी और वन पे ओपन, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा।